हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीट प्लांट के बारे में। क्योंकि आपको पता है सीरियल लीडिंग प्लांट इस समय चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पैडी के बारे में यानी राइस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, क्या ओरिजिन है उसका, क्या बॉटनिकल नेम है, क्या यूजेज है, क्या उसका कल्टिवेशन है, इसके बारे में हमने बात किया था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हीट के बारे में। सो गाइस, बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या नाम है इसका? ट्रिटिकम एस्टिवम। फैमिली भी क्या हो जाएगी इसकी? ग्रैमिनी, जैसे पैडी की थी। और दूसरा इसकी फैमिली का नाम है पोएसी। वर्नाकुलर नेम हो जाएगा गेहूं, ठीक है, अपनी भाषा में लोग इसको गेहूं कहते हैं। ओके, इसी में आगे देखते हैं इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट एशिया एंड इंडिया है। क्या है? वेस्ट एशिया एंड इंडिया इसका ओरिजिन हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, व्हीट इज द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप। कह रहा है व्हीट इज द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में टेम्परेट रीजन का सबसे प्रिंसिपल सीरियल अगर बात की जाए तो व्हीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज स्टेपल फूड ऑफ अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का लगभग, कह रहा है हाफ यानी आधी पॉपुलेशन का मेन स्टेपल फूड क्या है? व्हीट ही है। आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, वो किस पे डिपेंड है? व्हीट पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हीट पसंद आता है, ठीक है। अगला पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। USA इज द, यह फाइव यहाँ पे नहीं होगा, द हो या टी एच ई हो जाएगा। USA इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व भर में सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है? USA, ठीक है, यानी नंबर वन पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो कल्टिवेटेड। और भी कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ ये कल्टिवेशन किया जाता है इसका? इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन रसिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इटली, ये सभी हैं, ठीक है। इन इंडिया, यूपी, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सभी ऐसे स्टेट हैं भारत में जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अब इसके कल्टीवेशन की हम बात करते हैं। कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन में हो जाएगा, व्हीट इज रबी क्रॉप। व्हीट कैसी है? रबी क्रॉप है, ठीक है। दैट इज सोन इन अक्टूबर टू नवंबर, जिसकी बुवाई हम किस मंथ में करते हैं? अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है, ठीक है, इन्हीं दोनों मंथ में। व्हीट कैन बी ग्रोन ऑल काइंड ऑफ सॉइल। व्हीट को हर प्रकार की सॉइल में ग्रो कराया जा सकता है, यानी कह रहा है व्हीट कैन बी ग्रोन ऑल काइंड ऑफ सॉइल एक्सेप्ट सलाइन आर वार एसिडिक सॉइल। क्या कह रहा है? सलाइन आर वार एसिडिक सॉइल को छोड़ के हर टाइप की सॉइल में ये ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इम्पॉर्टेंट वेराइटीज, कुछ इम्पॉर्टेंट वेराइटी हैं गेहूं की, वो याद कर लीजिए। चूँकि कंपटीशन में ये पूछा जाता है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, टाइप कर दिया है। दिया है सोनोरा, सबसे बेस्ट इसकी वेराइटी है जो कि काफ़ी फेमस है। सोनालिका, कुछ इसमें से आप लोग जानते भी होंगे, सोनालिका हो गई, लर्मा, रोजा, ईटीसी, ये सभी इसकी वेराइटीज़ हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसी में आगे हम बात करते हैं यूजेस की। अब गेहूं के यूज क्या क्या हैं, व्हीट के क्या क्या यूज हैं, इसको देखते हैं। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमने सेलेक्ट करके टाइप किया है, इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत। इसको आप कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी एग्जाम में लिख देंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यह है, व्हीट इज स्टेपल फूड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का लगभग ये व्हीट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेपल, या स्टेपल मतलब इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ये सुटेबल होता किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए। व्हीट फ्लोर इज यूज फॉर मेकिंग चपाती, और व्हीट का फ्लोर यानी आटा, इसके आटे के साथ
आटे से क्या बनाया जाता है, चपाती बनाई जाती है, यानी रोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट्स मेजरली कंटेंट 65-74% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फीट में अगर पूछा जाए कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं 65-74% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, व्हिच एक्स्ट्रा इज यूज, एक्स्ट्रा कह रहे हैं यानी उसका जो एक्स्ट्रा पदार्थ जो निकलता है, एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा में अंतर है, यानी जो भूसा निकलता है उसको बोला जा रहा है, वेस्ट मटेरियल निकलता है गेहूँ ऑब्टेन करने के बाद, तो उसको उसकी बात कर रहा है। एक्स्ट्रा इज यूज एज ए फोडर ऑफ कैटल, उसका जो एक्स्ट्रा निकलता है, भूसा निकलता है, वो कैटल यानी जानवरों के यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको हम फोडर शब्द यूज करेंगे। किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर आप जानवरों के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पार्ट को आप बोलेंगे, यानी जो भी पार्ट आप जानवरों के लिए यूज करते हैं उसको जनरली क्या कहा जा सकता है, फोडर कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगले पॉइंट में है, एक्स्ट्रा पल्प इज यूटिलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, एक्स्ट्रा बोर्ड, बिल्डिंग बोर्ड। और भी कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करने में, यानी जो एक्स्ट्रा होता है उससे मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है, पेपर बनाने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा बोर्ड भी बनाने के लिए, दफ्ती वगैरह आप देखे होंगे बनाया जाता है इसके, बिल्डिंग बोर्ड भी बनाया जाता है। बिल्डिंग बोर्ड का मतलब है कुछ नॉर्मल से घर भी बनाने के लिए भी, यानी हाउस बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके बोर्ड बनाए जाते हैं, मोटे चादर बनाए जाते हैं और उससे बिल्डिंग्स बनाई जाती है। सो इसलिए बिल्डिंग बोर्ड भी इसी के एक्स्ट्रा से बनाया जाता है, यानी गेहूं के एक्स्ट्रा से। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से हमने कुछ 6-7 पॉइंट में हमने इसका यूजेज बता दिया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको इसमें याद करना यूजेज, बॉटनिकल नेम, फैमिली और उसकी क्या याद करना है, नेटिव याद करना है, ओरिजिन याद करना है, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद करिए। ठीक है, अगला लेक्चर आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।